बेसिकली इस मशीन में क्या होगा, जो लीफ होगा उसको कर्ली फॉर्म में लेके आना है। कर्ली फॉर्म में इन द सेंस में उसको ट्विस्ट करना है ताकि जितने भी लीफ के जो इनर सेल हैं वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाए और जो लीफ का ओरिजिनल फ्लेवर है उसको हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सके, जो चाय निकलेगी उसके बाद उसको ग्रेडिंग यूनिट्स में जाएगी। जो ड्रायर से चाय निकलेगी वो इस बे में निकलेगी। जैसे कि हमने देखा है यहाँ आसपास चाय के बहुत सारे बगान हैं, तो चाय आप उन्हीं से लेते हैं या और भी किसानों से आप चाय लेते हैं? नहीं, जैसे अपना जो नियर हमारा जो फैक्ट्री है वो तो हमारी कंपनी के ओन गार्डन्स है, और जैसे प्राइवेट गार्डन्स है जैसे मल्टीपल किसान है उनसे भी हम चाय परचेज करते हैं। अभी ये फाइन है, अभी आप देख सकते हो इसमें जो इसके साइजेस है वो डिफरेंट साइजेस का है। इसमें अभी टी स्टॉक भी है, ये भी है, तो इसको प्रॉपर हमने फाइन लेके आना। जैसे अगर इस साइजेस की चाय है तो वो सेम यही साइजेस रहे। फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैमेला सिंसाइज, साइंटिफिक नेम क्या मिलता है, ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई एसिड होगा, इसमें होता है एमिनो एसिड। जब इसका मिनरल जो चाय यहाँ पे बाहर आएगी मीन्स पूरी बन के रेडी, चाहे वो ब्लैक टिस्टी कांगड़ा में कोई भी हो वो हमसे जुड़ना चाहे वो एक बार फैक्ट्री विजिट करें और हम उसका पूरा प्रॉपर हेल्प करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा फार्म हाउस चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ, और आप देख सकते हैं ये है मेरे हाथ में चाय की पत्ती। जी हाँ, ये वही चाय है जो सुबह सुबह आप अपने घरों में पीते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जी हाँ, और मैं यहाँ पहुँची हूँ आपको यही बताने कि इस चाय की पूरी प्रोसेस क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये पूरा चाय का बाग है, यहाँ से ही यही पत्तियाँ जो है आगे प्रोसेस्ड होती हैं और पूरी चाय बनकर तैयार होती है। तो इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ के एक एम्प्लॉय से बात करेंगे जो हमें इस पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए करते हैं बात उनसे। लीजिए दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं अंदर तो, और दिखाते हैं आपको पूरी प्रोसेस। सर बताइए ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक्चुअली ये टी का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्टली आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊं तो यहाँ पे बनती है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी मीन्स लीफ टी, और एक रहेगा ग्रीन टी में। यहाँ पे CTC नहीं बनती है, CTC होती है, CTC मीन्स कट एयर अंकल, जिसको हम जो नॉर्मली चाय घर में यूज़ करते हैं दूध वाली, वो यहाँ नहीं बनती है। यहाँ पे बनती है प्रीमियम टी, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी। मैं फर्स्टली आपको बताऊंगा ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, वो फर्स्टली ब्लैक टी और ग्रीन टी में लीफ सेम है, मतलब कोई सेपरेट लीफ नहीं है, बट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डिफरेंट। अच्छा, मतलब दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है और लीव्स दोनों के सेम ही है। मतलब कई बेसिकली क्या होता है कि कई लोगों का टेंडेंसी होती है कि लीफ अलग है, ब्लैक टी का अलग है, ग्रीन टी का, मतलब वैसा कुछ नहीं है। लीफ आर सेम बट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डिफरेंट। तो इसमें क्या रहता है, फर्स्टली आपको बताऊंगा मैं ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी के बारे में। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में रहेगा उसमें 4 ऑपरेशन मेथड रहेंगे, फर्स्ट विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग। इसको बोलते हैं विदरिंग ट्रफ। जैसे आप गार्डन से अभी देखो फ्रेश लीफ आ रही है, प्लक हो गए, फर्स्टली इसमें इसकी स्प्रेडिंग करें। बेसिकली इसका मेन प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं। सर्टेन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली आपको सिंपली बताऊँ ना, एवरीडे सेम प्रोसेस फॉलो नहीं होता है। फैक्ट्री का जितना भी रन ओवर रहेगा वो लीफ के करेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। लीफ के करेक्टर के डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली जैसे ये लीफ है इसको ये कर रहे हैं, सर्टेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम जो मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं वो 60-70%। अगर लीफ का करेक्टर कुछ हो रहा है तो उसी को हम 70 भी ले सकते हैं, 40% के नीचे भी ले सकते हैं उसको विदर, ये डिपेंड करता है लीफ के करेक्टर पर। और ये टाइम कंटेन करेगा 10-12 आवर्स मैक्सिमम टाइम जो इसका 10-12 आवर्स। देन सेकेंड स्टेप है रोलिंग। जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मॉइस्चर ऑफ रिडक्शन का, देन सेकेंड स्टेप है रोलिंग। ये रोलिंग मशीन है पूरी, ये रोलिंग मशीन है, इसको बोलते हैं रोलिंग मशीन। जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा मैनुअली चाय यहाँ पे फिल करें। बेसिकली इस मशीन में क्या होगा, जो लीफ होगा उसको कर्ली फॉर्म में लेके आना है। कर्ली फॉर्म में इन द सेंस में उसको ट्विस्ट करना है ताकि जितने भी लीफ के जो इनर सेल हैं वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाए और जो लीफ का ओरिजिनल फ्लेवर है उसको हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सके। स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, लीफ है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैमेला सिंसाइज, साइंटिफिक नेम क्या मिलता है, ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई एसिड होगा, इसमें होता है एमिनो एसिड। जब इसके इनसाइड में सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जितना भी प्रोसेस है ना वो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये लीफ है इसको कर्ल करें तो इसको कितना कर्ल करना है, कितने प्रेशर तक इसमें सीक्वेंस वाइज प्रेशर देना, वो मतलब हर एक चीज़ को आपको मतलब बिल्कुल केयरली देखना पड़ता है। और ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में कहीं पे भी आप 1-2% की गलती नहीं, कहीं पे भी की पूरी चाय ख़राब। तो इसमें क्या होगा, ट्विस्ट करना है लीफ को, प्रॉपर ट्विस्ट करना ताकि उसके इनिशियल ब्रेक डाउन हो और जो लीफ का ओरिजिनल फ्लेवर उसको हम बाहर एक्सट्रैक्ट करते। देन थर्ड स्टेप वेरी क्रूशियल पार्ट, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं फ्लोर में, फर्मेंटेशन मीन्स उसकी एयर में ऑक्सीडाइजेशन, इट्स हेल्प टू क्रिएट कप कलर एंड फ्रेग्रेंस, वो हेल्प करता है आपके कप कलर और फ्रेग्रेंस में। फर्मेंटेशन होती है 10-15 मिनट्स की। Then, ये हम फैन की मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैन। फैन क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए जो
वैल्यू जो मतलब टेम्परेचर चाहिए रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। तो एक्चुअली हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, तो इससे ऊपर अब तो टेम्परेचर कभी कभार टेम्परेचर एक्सटेंड होता है तो उस टाइम क्या कहते हैं हमारे पास होता है डिहाइड्रेशन फैन, उस फैन को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है वो पानी फेंकता है, उससे क्या होता है उसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और सबसे क्रूशियल पार्ट है देन द फोर्थ स्टेप इज ड्राइंग, वो मैं आपको अगले रूम में दिखाऊंगा। आइए सर, तो चलिए दर्शकों अब हम चलते हैं अगले रूम में और वहाँ हम इसका अगला स्टेप देखेंगे कि आगे चाय की क्या प्रोसेसिंग होती है। चलिए, अभी आपने ऑर्थोडॉक्स और एक ग्रीन टी के बारे में बताया था, लेकिन प्रोसेस उसकी किस स्टेप में जाके चेंज होती है वो स्टेप अभी हमें बताइए। जैसे मैंने अभी आपको ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी के बारे में बताया, उसका जो थर्ड स्टेप था फर्मेंटेशन, देन नेक्स्ट उसका ड्राइंग, तो अभी मैं आपको बताऊँ ग्रीन टी, नेक्स्ट रूम में जाएंगे तो उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। ब्लैक टी और ग्रीन टी में मेजर डिफरेंस है फर्मेंटेशन का बाई टी रूल के हिसाब से। एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में क्या होता है कि जो लीफ होती है उसको हम जो उसके जाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट उनको अनलॉक करते हैं, अनलॉक मीन्स उसको विदर करते हैं। ग्रीन टी के केस में क्या होता है कि जो लीफ की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है एट द टाइम ऑफ प्लकिंग उनको सेम एज इट इज इनसाइड में प्रिजर्व करना है, तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे होता है उसको हम डायरेक्टली स्टीम करते हैं। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में क्या किया हमने, मॉइस्चर रिड्यूस किया। तो जब हम ग्रीन टी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेगा तो उसको डायरेक्टली जब गार्डन से लीफ आएगा तो उसको डायरेक्टली हम स्टीम करेंगे। स्टीम जो करेंगे वो लीफ के करेक्टर के हिसाब से करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपको लीफ को ऑब्जर्व करके देन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसका प्रोसेस कैसे चलेगा। तो इसका टाइमिंग मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो लीफ को आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल डिसाइड कि इसका प्रोसेस कैसे चलेगा। तो स्टीम किया देन सेम वर्किंग प्रोसेस रोलिंग, मगर उसमें फर्मेंटेशन नहीं करेंगे। ब्लैक टी और ग्रीन टी में मेजर डिफरेंस है फर्मेंटेशन। अगर फर्मेंटेशन किया तो जो सेल्स ब्रेक डाउन किए वो मेच्योर हो जाएंगे, तो क्या होगा वो ब्लैक टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको रोलिंग करेंगे, रोलिंग करने के बाद उसको डायरेक्टली रोस्टिंग के लिए डाल देंगे, तो वो अगले रूम में। आई सर, हाँ जी सर, तो अब बताइए आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या है। ये है लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस फॉर ऑर्थो बोथ, इट्स फॉर ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों के लिए लास्ट प्रोसेस क्या है, ड्राइंग, इसको बोलते हैं ड्रायर। जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ग्रीन टी का रोलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैनुअली चाय यहाँ पे लेकेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। एक्चुअली इसका मैं बेसिकली इसका जो बताऊँ इसका जो टेम्परेचर रहता है 112 डिग्री सेल्सियस टू 116 डिग्री सेल्सियस। ये हमको बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम कहते हैं फायरवुड यूज़, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है उसको मैनुअली कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके बीच में लेते हैं हम। तो यहाँ पे चाय फिल करेंगे, ये ऑटोमेटिक कन्वेयर के साथ आगे जाएगा। एक्चुअली इसके इनसाइड में थ्री स्टेप्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर फ्लो, हॉट एयर फ्लो जो इसका जो उसको रोस्ट कर रहे हैं। तो इसकी टाइमिंग होती है 21 मिनट्स। आफ्टर 21 मिनट्स जो चाय यहाँ पे बाहर आएगी मीन्स पूरी बन के रेडी, चाहे वो ब्लैक टी है चाहे वो ग्रीन टी है। हाँ, ग्रीन टी के केस में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर उसमें ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो उस टाइम क्या करते हैं टेम्परेचर तो सेम रहेगा, मगर जब जो ड्रायर की स्पीड होगी जैसे इसका 21 मिनट्स में चाय निकल रही है तो उसका टाइमिंग हो जाएगा 23 to 24 मिनट्स तक। Then, तो मतलब यहाँ से हमारी जो लास्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ से निकलेगा वो चाय बनके रेडी है, इस कंप्लीट, चाहे उसमें कहीं 19-20 का फर्क हुआ चाहे वो। देन उसके बाद क्या होगी उसकी टी टेस्टिंग करने से क्या होता है कि उसमें पता चल जाता है कि कहीं पे आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर कहीं पे भी गलती होगी तो उस चाय को उसी टाइम सेपरेट कर देंगे जैसे मैं आपको बता रहा था। तो इसके बाद क्या होगा कि उसको टी टेस्टिंग हो, कहीं 19-20 का फर्क नहीं हो, क्योंकि एक बार ग्रेडिंग रूम में चली गई ना चाय तो फिर क्या होगा उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब हम कप ब्रू करेंगे तो उस टाइम जितना भी उसमें कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं पे ज़्यादा फायर हो गया, फर्मेंटेशन ओवर हो गया, विदरिंग कुछ प्रॉब्लम, तो वो उस टाइम क्या होता है कप में सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद जाएगी चाहे ग्रेडिंग रूम में। ठीक है, ग्रेडिंग रूम में आइए। तो सर बताइए ये आपके हाथ में क्या है और ये कौन सी टी और ये कौन सी प्रोसेस से अभी निकली? एक्चुअली ये चाय इसको बोलते हैं हम ड्रायर माउथ, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ड्रायर से जो चाय निकलेगी उसके बाद उसको ग्रेडिंग यूनिट्स में जाएगी। जो ड्रायर से चाय निकलेगी वो इस बे में निकलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ड्राई है, इसके लीव्स जो हमारे पास चाय के होते हैं वो अभी ये बिल्कुल पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं। और इसके बाद सर इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसको ग्रेड करेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे इसकी ग्रेडिंग कैसे होगी। तो दर्शकों पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन ये क्या करें हम मशीन्स बंद नहीं करवा सकते इसलिए, लेकिन अभी आपको मैं पूरी प्रोसेस बता रही हूँ। तो ये हमारी लास्ट प्रोसेस है, तो बताइए सर ये लास्ट प्रोसेस में क्या होता है? एक्चुअली इसको बोलते हैं हम ग्रेडिंग। जैसे ड्रायर से चाय निकली, ड्रायर माउथ में मैंने आपको पीछे बताया कि उसमें हर एक चाय होती है, मतलब उसमें ब्रोकन्स रहेंगे, सेमी ब्रोकन रहेंगे। इस यूनिट्स में क्या होगा उनको सेपरेट करना है, सेपरेट इन द सेंस मीन्स उसको टोटली फाइन फॉर्म में लेके आना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ड्रायर से चाय निकली फर्स्टली वो जाएगी वहाँ पे, उसको बोलते हैं मिडल टन। एक्चुअली आपको मैं सिंपली बताऊँ ना
तो ये जितना सिंपल है ना उतना ही कन्फ्यूजिंग है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि फर्स्टली क्या होगा कि जैसे चाय वहाँ पे गई, वहाँ पे क्या होगा कि ब्रोकन सेमी ब्रोकन डिफरेंट हो जाएंगे, ब्रोकन सेमी ब्रोकन जो हो गए वो अलग। तो ये है सर ग्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जैसे इसके बाद जो चाय यहाँ पे बाहर आएगी वो उसके बाद डायरेक्टली जाएगी वहाँ पे कटिंग पे। ठीक है सर, जाएगी कटिंग पे। जैसे इसका कटिंग वहाँ पे कटिंग होगा देन ये जितनी भी आपको वायर मेश मशीनें लगी हुई है इन सभी में वो पास आउट होगी। मगर इसमें एक लॉजिक है कि जब तक इसमें मतलब ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, जब तक लगेगा नहीं इट्स रेडी टू पैक तब तक इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में लेते जाएंगे। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया जितना सिंपल है उतना ही मोर ये कन्फ्यूजिंग है, तो इसको बार बार कंटिन्यूस प्रोसेस जब तक लगेगा नहीं इट्स रेडी टू पैक तब तक इसको कंटिन्यू प्रोसेस में लगेगा और थ्रू जितनी भी मशीनें ये सभी में वो पास आउट होगी। ठीक है, और लास्ट में जब हमें लगे कि अब ये रेडी है पैक करने के लिए तो लास्ट कौन सी मशीन में से ये निकलती है? एक्चुअली इसका वो नहीं है, हर एक मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें 5 to 6 टाइप के ग्रेड निकलते हैं। फर्स्टली जो टी लैंग्वेज में फर्स्टली आएगा STG FOP 1 सुपर फाइन टिपी गोल्डन ऑरेंज फैनिंग, वो आएगा लीफ फॉर्म में। देन उसके बाद आएगा FTG FOP 1, वो थोड़ा बी में आ गया, जैसे ABCD होता है सेम वैसे। फिर उसके बाद आ गया BPS, देन TGBOP, फिर TGF, GOF, FOM, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड। तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि इस मशीन में वो निकलेगा, वो जब तक मेरे को लगे जैसे अभी ये बैग चल रहा है मेरे को लगेगा इट्स फाइन तो मैं इसको यहीं से निकालूंगा। अगर लगेगा इसका प्रोसेस और चल सकता है तो उसको अगेन इसी प्रोसेस में लेके जाऊंगा, ये नहीं बोल सकता कि इस मशीन में फाइनल है। हाँ, जो ब्रोकन और सेमी ब्रोकन है जैसे TGBOP हो गया, TGF हो गया, GF हो गया, वो इस मशीन में फाइनल निकलेंगे। ठीक है, पर इसके बाद में लास्ट में हमारा ग्रेडर कौन सा है? यस, ग्रेडिंग कैसे होती है? अब ये लास्ट में फाइन पार्टिकल्स है? नहीं, अभी ये फाइन अभी ये फाइन है। अभी आप देख सकते हो इसमें जो इसके साइजेस है वो डिफरेंट साइजेस का है, इसमें अभी टी स्ट्रोक भी है, ये भी है, तो इसको प्रॉपर हमने फाइन लेके आना। जैसे अगर इस साइजेस की चाहिए तो वो सेम यही साइजेस रहे तो उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ना हो, तो उसको हम ग्रेड्स बोलते हैं। और इसके बाद इसका लास्ट स्टेप कौन सा है? अब इसके बाद हमारी चाय पैक हो जाती है? इसके बाद पैकेजिंग। तो चलिए दर्शकों अब देखते हैं ये चाय हमारी पैक कैसे होती है, कैसे ये पैक होकर हमारे घर तक पहुंचती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारी चाय है वो यहाँ पर जो है पैक हो रही है। इसके बाद ये जो हमारा है फाइनल स्टेप है, इसके बाद ये सारी पैकेट हो पैक होकर हमारे घर तक आ जाती है। तो सर जैसे कि हमने देखा है यहाँ आसपास चाय के बहुत सारे बगान हैं, तो चाय आप उन्हीं से लेते हैं या और भी किसानों से आप चाय लेते हैं? नहीं, जैसे अपने जो नियर हमारा जो फैक्ट्री है वो तो हमारी कंपनी के ओन गार्डन्स है, और जैसे प्राइवेट्स गार्डन्स है जैसे मल्टीपल किसान है उनसे भी हम चाय परचेज करते हैं। और अगर कोई किसान जो है हमारा वो आपके साथ जुड़ना चाहे, वो अपने जो चाय है आपको देना चाहे, तो उसके लिए आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें उसके लिए कोई कन्फ्यूजिंग सा नहीं है। वो जैसे भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कोई भी हो वो हमसे जुड़ना चाहे वो एक बार फैक्ट्री विजिट करें और हम उसका पूरा प्रॉपर हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस मीन्स उसको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे उससे रिलेटेड, और उसको जैसे कैसे टी प्लग करना है वैसे उसको अलग फैसिलिटीज़ देंगे। जैसे वो उसने प्लग किया, जैसे मान लो यहाँ से वो 40 किलोमीटर दूर है हमारी फैक्ट्री से, तो उसका मतलब जो भी एक्सपेंस रहेगा उसकी घर से मतलब उसके गार्डन से पत्ती उठाने का और लेके जाने का वो हमारा ओन कंपनी का रहेगा। उसको प्रॉपर उस चीज़ के लीव के प्रॉपर उसके पैसे मिलेंगे, जैसे बीक जैसे फ्रेट का कोई चार्जेस नहीं, ट्रांसपोर्ट का कोई उसका चार्जेस नहीं, वो कंपनी खुद मतलब हम उसका प्रॉपर हेल्प करते हैं। सर जैसे कि जो लोग हमारे ये चाय के बगान लगाते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सब्सिडी मिलती है? हाँ, इसकी एक गवर्निंग बॉडी है जिसको बोलते हैं हम टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो प्रॉपर अपनी गाइडेंस देता है उनको, जैसे उनको कोई फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करवाता है एक्सेट्रा। तो दर्शकों आपने देखा आज हमने आपको दिखाया कैसे एक चाय है जो एक बाग से लेकर आपके घर तक आपकी चाय की प्याली तक पहुंचती है। और जो भी किसान भाई मेरे ये चाय की खेती करना चाहते हैं या फिर हिमालयन ब्रू के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहे फार्म हाउस चैनल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।